भारत में 70 साल बाद चीतों का इंतजार खत्म हो चुका है। शनिवार को पीएम मोदी ने इनमें से 3 चीतों को कुनों में बनाए गए विशेष बाड़ों में छोड़ा। इस दौरान पीएम ने लोगों से अपील की है कि अभी धैर्य रखें, चीतों को देखने नहीं आए। कुनों में प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था। इसी मंच के ठीक नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला। चीते बाहर आते ही अनजान जगह में सहमे हुए दिखे। सहमते कदमों के साथ इधर उधर नजरें घुमाई और चहलकदमी करने लगे। लंबे सफर की थकान चीतों पर साफ दिख रही थी। चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। मोदी ने चीतों की कुछ फोटो भी क्लिक की। भारत आए 8 चीतों में 2 सगे भाई हैं। इनकी उम्र 2.5 से 5.5 साल के बीच की है। हालांकि चीते की औसत उम्र 12 साल होती है। पीएम ने लोगों से अपील की है कि अभी धैर्य रखें, चीतों को देखने नहीं आए। ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान हैं। कुनों को ये अपना घर बना पाए, इसके लिए इनको सहयोग देना है। अब बात करते हैं ये चीते यहाँ सरवाइव कैसे कर पाएंगे। तो बता दें कि कुनो नेशनल पार्क भारत में चीतों के रहने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। यहाँ का तापमान, वातावरण और खुला मैदान चीतों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है। ये घने जंगलों में नहीं रहते। तेजी से दौड़ने के लिए खुले मैदान की जरूरत होती है, न कि घने जंगलों की। यहाँ चीतों के लिए पर्याप्त शिकार की व्यवस्था भी है। आने वाले दिनों में सरकार और भी चीते लाने का प्रयास करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मधुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।